हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी की, बिहार पीसीएसजे और एपीओ दोनों के लिए। फ्रेंड्स, लास्ट तक देखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी कैन बी एक्साइज्ड बाय, और सीआरपीसी में ये पावर की एक्साइज की जाती है हाई कोर्ट के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा डी। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, सेक्शन 482 में है और सीपीसी में ये कहाँ पर है और कौन सा कोड एक्साइज करता है, याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, द कोड में ऑल्टर द चार्ज। फ्रेंड्स, पहले तो इसका आपको सेक्शन याद रखना है, 216 में है, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा जाता है, मैचिंग में भी आ जाता है, और ऑल्ट्रेशन होता है जजमेंट के प्रोनाउंस होने से पहले। तो करेक्ट आंसर होगा डी, बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय ब्रिटिश सिटीजन ऑन एन एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया, द ऑफेंडर मे बी डील्ड विद अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। और ये आउट ऑफ इंडिया की बात की गई है, 188 में। फ्रेंड्स, इंडिया में अगर रजिस्टर है और आप बाहर कहीं भी जाता है वो, तो उस पर इंडिया का ही होगा, जहां भी जाएगा वहीं ये साथ साथ चलेगा। करेक्ट आंसर होगा सी, 188। अच्छे से पढ़ लें, क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, द प्रोविजंस प्रूविंग कन्विक्शन इज एनविसेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, और ये है 298 में। करेक्ट आंसर होगा बी। फ्रेंड्स, जितने भी सेक्शन आ रहे हैं आप अच्छे से पढ़ लें, फिर आपको उससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच केस इट वॉज हेल्ड डेट सेकेंड वाइफ ऑफ ए पर्सन हुज हस्बैंड्स फर्स्ट वाइफ इज अलाइव कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, और करेक्ट आंसर होगा सी, खेमचंद ओम प्रकाश वर्से स्टेट ऑफ गुजरात। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 125 से जितने भी केसेस हैं आप एक बार अच्छे से याद कर लें, रिवाइज कर लें, लिस्ट बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर फ्री लीगल एड इज मेड। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, काफ़ी बार आ चुका है ये, और फ्री लीगल एड है 304 में। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, एन इरेगुलरिटी बाई मजिस्ट्रेट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस विल नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग्स। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेक्शन अच्छे से पढ़ लें, कौन से सेक्शन में है कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट है इसका, मेकिंग एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, डिमांडिंग सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, सी टेंडरिंग पार्डन टू अकॉम्प्लिस। करेक्ट आंसर होगा सी। फ्रेंड्स, इसका सेक्शन कॉमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी इज अमेंडेबल टू रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑन वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, दिस वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ, और ये है गुलाम अब्बास का केस। करेक्ट आंसर होगा सी, गुलाम अब्बास वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सीआरपीसी, और ये है 320 में। करेक्ट आंसर होगा डी, सेक्शन 320। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2005 रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट 21 जुलाई 2005, 23 जून 2005, 22 अगस्त 2005, 20 सितंबर 2005। इसका करेक्ट आंसर है बी, 23 जून 2005। फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये डेट। नेक्स्ट है, विच प्रोविजन अंडर सीआरपीसी प्रिस्क्राइब द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, डेट द कन्विक्ट बी हैंग बाय द नेक अंटिल ही बी डाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पहले तो, और ये है फॉर्म नंबर 42 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स फॉर कन्फर्मेशन बाय द कोर्ट ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डेथ सेंटेंस पास्ड बाय सेक्शन प्रायर टू इट्स एग्जीक्यूशन, और ये बताया गया है कन्फर्मेशन 366 में। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एक्यूटल पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास शैल लाई टू द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट।
इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कोर्ट ऑफ सेशन, और ये है 378 के ए में। फ्रेंड्स अच्छे से पूरा सेक्शन पढ़ लें। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू साइन कन्फर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, ये बताया है सी में। इसके 2 जजेस होने चाहिए और इसका सेक्शन है 369 में है। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा और सभी सेक्शन आज हमने किए हैं वो अच्छे से रिवाइज कर लें। थैंक यू गाइज, बाय बाय, शेयर विद ऑल। यहाँ तक देखें तो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा है वीडियो, लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।